दो सॉल्यूशंस हैं, एक है सुपरफिशियल लेवल पे, सरफेस लेवल पे, मतलब कि ऊपर ऊपर की बातें। मैं आपको बता दूं यहाँ पर बैठ करके कि पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगता, मैं आपको तरीके बता देता हूँ कि कॉन्सेंट्रेट कैसे किया जाए, अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए। बहुत सारे तरीके, हज़ारों तरीके हैं कि ठीक है, पढ़ाई के टाइम पे आप म्यूज़िक ऑन कर लो, म्यूज़िक सुनते रहो, अपने मोबाइल को ऑफ करके कहीं पर रख दो, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई करो, ये करो वो करो। आप इंटरनेट पे चले जाओ, आपको ऐसे हज़ार नुस्खे मिल जाएंगे, हज़ार ऐसे आइडियाज़ मिल जाएंगे। उसके लिए मुझे यहाँ पर आकर के बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऐसे नुस्खे ढूंढना चाहता है वो ढूंढ लेगा दो मिनट के अंदर अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई चाहता है ये जानना कि पढ़ाई में अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर्स को कैसे बढ़ाया जाए, तो हज़ार रास्ते हैं। गूगल के ऊपर जाकर के आप सर्च करो हाउ टू इंक्रीज योर कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपको टिप्स मिलती चली जाएंगी। उन टिप्स में से जो अच्छी लगती है उसको इंप्लीमेंट करते चले जाओ, कॉन्सेंट्रेशन पावर्स बढ़ जाएंगी। लेकिन ये भी प्रॉब्लम की जड़ नहीं है, जड़ ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए, आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या हैं? ना पढ़ने की, एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आपको कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है, एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आप इमेजिन करो कि आप एक डेजर्ट में हो, रेगिस्तान में हो और खो गए, रास्ता भूल गए, एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गया, क्या होगा ऐसे में? प्यास से तड़प रहे होगा ना, इमेजिन करो उस सिचुएशन को, जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग, कि दो दिन हो गए हैं आपने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है, ऊपर से डेजर्ट जहां पर कोई छाया भी नहीं है, भागे जा रहे हो इधर से उधर, चले जा रहे हो, हिम्मत नहीं है, बुरी हालत हुई पड़ी है, मरने लायक हालत है। उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? सिर्फ पानी, कि कहीं से पानी की एक बूंद मिल जाए, सिर्फ एक बूंद मिल जाए कहीं से पानी की, वो सूख गया है, अंदर तक सब कुछ सूख गया है, पूरी हालत हुई पड़ी है, उस वक्त आप क्या कर, क्या टॉयलेट पीएंगे? लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। थ्योरेटिकल बात नहीं है, जो भी लोगों के साथ में ये चीज हुई है उनके एक्सपीरियंसेस जाकर के आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। टॉयलेट जिसको हम वेस्ट समझते हैं, वो भी एक एक बूंद उसकी भी कीमती हो जाती है, जो आप में से कोई अभी सपने में भी करने की नहीं सोच सकता। अभी कोई यहां से बाहर जाकर के अपना टॉयलेट पिएगा? कोई है तैयार है? एनीबॉडी? कोई नहीं। क्यों? कोई वजह ही नहीं है। देयर इज नो रीजन, देयर इज नो रीजन। क्यों पिए भाई, मैं पागल हूं क्या? ना, मैं पागल हूं जाकर के जबरदस्ती अपना टॉयलेट पीऊं। लेकिन अगर वो वजह बड़ी हो तो आप पानी का खून भी पी जाओ।